हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? और बताओ, कल वैलेंटाइन कैसा गया? हाँ, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, ठीक है? कि मतलब मैं बोल देती हूँ किसका कटा, किसने किसका काटा। हाँ, आजकल तो यही चलता रहता है, ये वर्ड बहुत फेमस हो चुका है। सो लड़के तो मुझे पता है, टू बी ऑनेस्ट होने वाले हैं, वो बता देंगे, है ना, कि मैम हमारे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, है ना। तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे बड़ा मज़ा आता है ये सब जानने में, है ना, क्योंकि मैं सुन रही हूँ अपने जूनियर से भी और अपने मतलब भाई बहनों से भी कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अच्छा, ठीक है, भाई बहन बोले तो कजन्स, क्योंकि खुद के भाई बहन तो कभी सच बोलेंगे नहीं, है ना। चलो ठीक है। और रही बात मेरी कि मेरा वैलेंटाइंस कैसा गया, तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं सिर्फ सोती थी, मतलब मैं इतना सोई हूँ ना कल, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं शाम को मतलब अपना काम से फ्री हो गई थी 7 बजे, और मतलब सुबह की जो थकान थी ना, मैंने इस तरीके से दूर किया कि जस्ट 7 बजे सो गई और सुबह उठी हूँ, मतलब रात में उठी मैं 2 बजे। मेरे को बोल सकते हो नॉक्टर्नल टाइप की हूँ मैं, तो रात को 2 बजे उठी, और उसके बाद मैंने सुबह 6 बजे तक पढ़ाई लिखाई की, फिर से मैं सो गई और जस्ट 9:30 बजे उठी, क्योंकि मुझे पता है मुझे कॉलेज जाना है, लेट नहीं कर सकते, है ना। और फिर मुझे याद है, ओ माई गॉड, मुझे आप लोगों को आज एक इन्फॉर्मेशन देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो उसी से रिलेटेड हमारा ये आज का वीडियो होने वाला है, CUCET, और बोल सकते हैं CUET, है ना। CUET से रिलेटेड आप लोग को इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी कि CUET से BPT लिंक हुआ है या फिर नहीं। सो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर दे देना चाहती हूँ कि यस, आपका जो CUET है उससे आपका BPT लिंक हो चुका है। यस यस यस, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, यस लिंक हो चुका है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल करने की। सो देखो, फॉर्म्स निकल के आए थे 9 फेब को, और जो लास्ट डेट है वो है 12th मार्च। कितनी है? 12th मार्च। यस, बिल्कुल सही सुना, लास्ट डेट कितनी है? 12th मार्च। सो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और मतलब जो भी BPT करना चाहते हैं उनके साथ, अगर नीट एस्पिरेंट भी हैं तो उनके साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज मैं तो चाहती हूँ सबका नीट निकले, बट समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास एक और हमें ऑप्शन रखना होता है ना। तो आप बेशक ये CUET का जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको BPT करना है किसी अच्छे कॉलेज से। ओके, कॉलेज कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व है उस पर मैं एक और नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट वीडियो है और मुझे अभी कॉलेज जाना है, मेरे को अभी अपने हेयर बनाने हैं, ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर जाने। हेयर बनाने मतलब छोटी करनी, आप ऐसे खुले बाल में या फिर ऐसे टाई करके नहीं निकल के जा सकते। अभी सोचो, एक फिजियो को अगर पेशेंट देखना ऐसे करेगा तो बस सारे बाल नीचे आ गए उसी के मुँह पे हैं, ये कोई तरीका है? सो मेरे को अभी मतलब जल्दी से तैयार होना होगा, तो पूरा लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकती। जैसे शॉर्ट वीडियो था आप लोग को बताने के लिए कि CUET से ही आप लोग को अप्लाई करना है, उसमें मतलब टेस्ट आपका बहुत हार्ड होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। टेस्ट थोड़ा सा हार्ड होगा, देखो उसमें आपका इंग्लिश आएगा, उसके बाद आपका जर्नल टेस्ट आएगा, बीच में आपका डोमेन रहता है जो आपको सेलेक्ट करना होगा, वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की डिमांड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। मैंने चेक किया था, जगह जगह यूनिवर्सिटी में कुछ में इंग्लिश होती है, कुछ में इंग्लिश नहीं होती है, तो आपको सेलेक्ट तो पूरा ही करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि आप जो CUET है सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए दें, आप सारी यूनिवर्सिटीज के लिए दे रहे हैं ना, तो वो यूनिवर्सिटी की डिमांड आपको चेक करनी पड़ेगी। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ, IPU, यस, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, वो इस वक्त CUET के साथ में लिंक्ड हो चुकी है, तो उसका अपना अलग से BPT का नहीं आने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो में इसलिए दे दी कि जो बच्चे भी IPU से, जो दो कॉलेज लिंक थे उनसे, अगर उन दो कॉलेज से BPT आप लोगों को करना है तो जल्दी से जाइए, इस फॉर्म को फिल कीजिए। लिंक कहाँ मिलेगी? लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर रखी है। सो जल्दी से फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और जनरल एबिलिटी टेस्ट वगैरह का जो सिलेबस रहता है वो मैं नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। एक और छोटी सी चीज़ जो कि मैं आपके दिमाग में अभी से फिट कर देना चाहती हूँ, वो ये है कि आप मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि ये मतलब CUET हो रहा है तो इससे हमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, चाहे वो जामिया हो या फिर AMU हो या फिर BHU हो, एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, चाहे वो आपकी DU हो, ठीक है, कुछ भी हो, एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी CUET के साथ में लिंक नहीं है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट तो मिलने से रही। और रही बात स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट में भी आपकी IPU है सिर्फ, GU जिसको बोल सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एक यही है जो कि आपकी स्टेट में आती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में आती है। सो यहाँ से हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि मतलब गवर्नमेंट है ही नहीं, हमें जो फॉर्म फिल करना है वो प्राइवेट के लिए फिल करना है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हाँ वो आप सॉरी तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ तो है नहीं, मतलब प्राइवेट और आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं वो हैं, हाँ समथिंग 7-8 यूनिवर्सिटीज़ होंगी, तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उन यूनिवर्सिटीज़ का नाम जानना है तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो तक का वेट कर लीजिएगा, मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी कि अभी क्या फ़ायदा, अभी जस्ट यूनिवर्सिटी बता दो, फिर मुझे उसको आपको डोमेन समझाना पड़ेगा, उसके क्राइटेरिया समझाना पड़ेगा कि इस यूनिवर्सिटी में टेस्ट देने के लिए ये चीज़ें फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और पढ़ते रहिए, बिकॉज इस बार पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है
है कि फॉर्म फिल कैसे करना है ना, राइट, फॉर्म फिल कैसे करना है। तो बेटा देखो, फॉर्म फिल करना कहीं की तोप नहीं है कि आपको तोप मारनी है ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप लोगों ने बस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करते जाइए, सब हो जाएगा। पहले जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको डिटेल्स भरती जानी है। जहाँ जो बच्चे ट्वेल्थ कर रहे हैं वहाँ ट्वेल्थ अपियरिंग डालिएगा ताकि आपसे आपकी मार्कशीट ना ली जाए, और जो ट्वेल्थ कर चुके हैं वो पास डालेंगे जिससे कि आपको अपनी मार्कशीट लगानी है। और डोमेन वाला सेक्शन आएगा, उसमें आई नो थोड़ा सा गड़बड़ आता है वहाँ पे, जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होती है, क्योंकि आपके पास यूनिवर्सिटी लिखी नहीं है। इतना करके रखो, ठीक है, उसके बाद में उसको एकदम से पेमेंट करने की जरूरत नहीं, इतना करके रखो, सेव कर लो। मैं 2-3 दिन में एक पक्का लॉन्ग वीडियो बना दूंगी जिससे आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। और सारे यूट्यूबर्स हैं अवेलेबल है जो पूरा का पूरा ट्यूटोरियल डालते हैं ना कि फॉर्म कैसे फिल करना है, तो आप वो भी जा करके देख सकते हो, ठीक है। और बीपीटी से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो वो सिर्फ मैं ही बता सकती हूँ ना कि ये कॉलेज है, क्योंकि वो तो आपको बताएंगे नहीं, वरना आपको पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी पर जाकर के क्लिक करके देखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था, तो मैं ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज कवर कर चुकी हूँ, बस कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रह गई हैं, तो वो भी मैं आपको देख के बता दूंगी। इसलिए बस 2-3 दिन का वेट करिए, पूरा लॉन्ग वीडियो आ जाएगा, है ना। तो इतना अपना फॉर्म भर के तैयार करके रखिएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। सो फॉर्म आ चुके हैं, यस, और मेजर पोर्शन ये है कि आपको गवर्नमेंट एक भी नहीं मिलेगा, सिर्फ प्राइवेट मिलेंगे। तो दैट्स अप टू यू कि फॉर्म फिल करना है कि नहीं करना। और हाँ, अरे अरे अरे, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि फॉर्म कितने रुपीज़ का है ना, वो तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। सो अगर आप 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपका 750 आता है, ठीक है। कितना आता है? 750 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो। और अगर 7 सब्जेक्ट भरते हो तो और वो इस तरीके से, मतलब अपने अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। 7 सब्जेक्ट में ज़्यादा है, और उसके बाद में अगर देखा जाए तो 10 है, हाँ मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट हैं, तो उसमें और ज़्यादा आपसे मतलब पैसे लिए जा रहे हैं। एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मेरे को कितना था, मैं मतलब मैंने एक जगह लिख के रखा था, अभी जस्ट मेरे को बिल्कुल याद नहीं है। मैं इस वीडियो में जा करके ऐड कर दूंगी, है ना, ताकि आप देख सको, साइड से आपको दिख जाएगा। तो एग्जैक्ट मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ पे देखो, दिखा हुआ दिख रहा होगा ना, आप देख सकते हो कि 3 सब्जेक्ट में कितना है, 7 सब्जेक्ट पे कितना है, और ये 10 सब्जेक्ट पे कितना है। और अगर पूछा जाए कि 3 सब्जेक्ट है क्या, सो वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट है। अगर इंग्लिश भी आपको अप्लाई करनी है तो इस तरीके से 4 सब्जेक्ट हो गए। अगर आपको जनरल टेस्ट भी देना है तो इस तरीके से 5 हो गए, है ना। 3 के लिए तो अप्लाई करना ही नहीं होगा, तो इस तरीके से ये बाकी और अच्छे से लॉन्ग वीडियो में बता दूंगी। अभी मुझे हो रहा है बहुत ज्यादा लेट, है ना, मुझे बाल बनाने हैं और बस मुझे कॉलेज निकलना है। सो यस, मैं चलती हूँ, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।